नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एगलेस चॉकलेट केक बनाएंगे, जो घर में भी आसानी से बनाया जा सकता है। तो चलिए एगलेस चॉकलेट केक बनाते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चॉकलेट केक बनाने के लिए मैंने ये बिस्किट लिए हैं। आप कोई भी चॉकलेट बिस्किट यूज कर सकते हैं। ये सारे बिस्कुट सबसे पहले तोड़ लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। अब इसमें 2 चम्मच चीनी डाल के इसे ग्राइंड कर लेंगे। आप चॉकलेट क्रीम वाला बिस्कुट अगर यूज करें तो चीनी ना डालें। इस तरीके का पाउडर बना लेंगे। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप इसके जगह पर घी या बटर भी डाल सकते हैं। रिफाइंड डालने से केक सॉफ्ट बनता है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हल्का गर्म दूध डालना है और इसे मिलाना है। बैटर तैयार हो गया है और ये बैटर जो है इस तरीके का चाहिए। बिस्किट 150 ग्राम है। इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। 10 मिनट के लिए इसे रख देंगे रेस्ट पे। जब तक बैटर रेस्ट के लिए रखा है तब तक हम केक बनाने के लिए एक बर्तन ले लेंगे। आज हम इस केक को एक कढ़ाई में बनाएंगे। आप कभी भी केक बनाइए, घर में कोई पुराना कढ़ाई हो या एल्युमिनियम का कोई भगोना हो या कुकर हो तो उसमें आप केक बनाइए। अब इस कढ़ाई में नमक को फैला लेंगे। इस नमक को आप रख सकते हैं और जब भी केक बनाना हो तो इस नमक को यूज कर सकते हैं। बैटर रख के 10 मिनट हो गया है। अब इसे वापस एक बार मिक्स कर लेंगे। मैंने कटोरी को रिफाइंड से ग्रीस कर लिया है अच्छे से और इसमें मैदा लगाएंगे। मैदा लगाने से केक बनने के बाद केक आसानी से निकल जाता है। अब बैटर को इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें स्टैंड रखेंगे। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो कटोरी भी रख सकते हैं। नमक गर्म हो गया है, फ्लेम को हाई रखेंगे और इसमें कटोरी रखेंगे। अब इसे मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट बेक करेंगे। 10 मिनट हो गया है। इसे चेक करेंगे। इसमें बैटर लगा नहीं है, यानी केक पक चुका है। अब इसे बाहर निकाल लेंगे और केक को ठंडा कर लेंगे। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये जो कटोरी में मैदा लगाए थे इसे अब हम थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेंगे। देखिए केक कितना स्पंजी बना है। ड्राई फ्रूट्स आप बेक करने से पहले भी डाल सकते हैं। ये देखिए केक कितना स्पंजी बना है। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।